हमारे दरमियान में हमारे मौलाना जनाब अली अब्बास ख़ान साहब ज़ैनपुरी हैं, वो अपने तासुरात पेश करेंगे। इनकी भी बड़ी खिदमात है बाबुल हुसैन मौकिफ के लिए। आपने पिछले साल देखा होगा इंटरव्यू भी क़िबला का, लेकिन वो पिछले साल में और इस साल में क्या फ़र्क पाते हैं ये अपने तासुर पेश करेंगे जनाब अली अब्बास ख़ान साहब ज़ैनपुरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मौकिफ बाबुल हुसैन 820 पोल नंबर पे ज़ुवारे अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन की खिदमत के लिए पिछले साल शुरू हुआ और इस साल भी हम लोग खिदमत कर रहे हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये मौकिफ तैयार किया और कोशिश ये है कि हम ज़ायरीन अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, इसलिए कि ये खिदमत ज़ुवार अबू अब्दुल्लाह ये मलाइका का काम है और परवरदिगार ने हम लोगों को ये खिदमत करने का मौका दिया और तौफीक दी। इसका हम परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, अहले बैत अथार का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उन्होंने ये तौफीक अता की। और हम पूरी दुनिया के मोमिनीन और पूरी दुनिया के लोगों से गुजारिश करते हैं, खुसूसन शियान हैदर कर्रार और शियान अहले बैत अथार से, कि वो जब नजफ़ से पैदल चल के करबला जाएं तो इस मौके बाबुल हुसैन पे आएं और हमें खिदमत का मौका दें ताकि हम इंदल्लाह व इंद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुरखुरु हो सकें और कुछ हक अदा कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। बहक़ इमाम तहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।